कुल मिला के बात ये 20 रुपए पूरे वसूल है अपने चाय में। तो कैसे लगी भाई हमने? वेलकम बैक दोस्तों, कैसे सभी आयो बच्चे होंगे। और आज मैं आया हूँ गलता जी, जयपुर में तीर्थ स्थल है गलता जी और बहुत दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ पे। मॉर्निंग के यार 6 बजे हुए हैं तो सभी गुड मॉर्निंग, राम राम। बाकी देख सकते हो जयपुर शहर पूरा फॉग में घिरा हुआ है और मस्त कड़ाके वाली सर्दी हो रही है आज। गलता जी है, एक हिल स्टेशन है काफ़ी अच्छा है यहाँ पे और काफ़ी टूरिस्ट आते हैं। चलिए फिर हम आपको दिखाते हैं, सनराइज़ का फील लेते हैं आज। तो चलिए दोस्तों, ये देख सकते हो दोस्तों कितना खूबसूरत शहर है और पूरा फॉग में घिरा हुआ है यार। फॉग में तो घिरा हुआ ही है पर पहाड़ियों में भी घिरा हुआ है पूरा जयपुर शहर। आप देख सकते हो पहाड़ियां ही पहाड़ियां चारों तरफ। दोस्तों सनराइज तो आपने देख लिया, गलता जी यार एक पूरा तीर्थ स्थल है, बहुत प्यारा तीर्थ स्थल है। तो इसको तो बड़ी फुर्सत से दिखाएंगे कभी, और फुर्सत से देखने के लिए कमेंट्स करके बताओ पहले तो हमें कि कौन कौन इंटरेस्टेड है, तभी हम दिखाएंगे। अगर हम 50 लाइक, अगर 50 कमेंट्स हमारे आते हैं, सॉरी 50 ज़्यादा हो गया, 10 कमेंट्स हमारे अगर आते हैं गलता गेट से रिलेटेड कि हाँ हमें गलता गेट घूमना है, तो मैं आपको पक्का फिर पूरा एक एक चीज़ ब्रीफ में दिखाऊंगा आपको, है ना। तो बाकी बहुत प्यारा हिल स्टेशन है जयपुर के अंदर, ये तो एक शुरुआत है जस्ट एक जयपुर की। बाकी यार सर्दी बहुत प्यारी पड़ रही है, कड़ाके की सर्दी पड़ रही है और फॉग तो आपने देख लिया होगा। हमारी स्टार्टिंग कड़ाके वाली ठंडो और एक चाय की प्याली हो और सुबह के 6 बजे हो। चाय से याद आया, चाय मिस कर रहा हूँ मैं फिर अभी। क्यों ना अमित भाई यार, चाय पीने चले फिर अपन। चलिए दोस्तों चाय पीते हैं। फाइनली हम पहुंच गए यार गुलाबी चाय पे और आप देख सकते हो कितना रश है मेरे पीछे और कितनी पब्लिक बैठी हुई है, जैसे ऐसा लग रहा है मैं फ्री में चाय बट रही हूँ। है भाई अमित, अमित का रिव्यू देख ले यार एक बार, और आप देख सकते हो यार कैसे फ्री में चाय बट रही है यहाँ पे। जो भी है, मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ गुलाबी चाय वाले के, तो देखते हैं पीते हैं एक बार गुलाबी चाय के कैसी है। ये है दोस्तों अंकल जी गुलाब जी, स्वर्गवासी है गुलाब श्री। ये गुलाब जी चाय वाला, ये अंदर चाय बन रही है, तो चाय से भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। दोस्तों गुलाब जी का गिलास आ चुका है, गिलास में चाय मिलती है पर इस गिलास का भी एक अपना अंदाज है, तो चलिए पीते हैं। घर जैसी तो बिल्कुल भी नहीं है चाय, कोई घर पे ऐसी बनती नहीं है ना अपने यार। मजा आ गया वैसे तो दोस्तों चाय पी के, और चाय का जो टेस्ट है 20 रुपए वसूल है कुल मिला के बाद, ये 20 रुपए पूरे वसूल हैं अपने इस चाय में। बाकी अमित से जानते कैसे लगी भाई अमित? एक नंबर चाय है, घर ऐसे कहते हैं ना कई लोग, मतलब बिल्कुल घर जैसी चाय, तो मैं कह ही नहीं सकता घर पे आ रहे से अपनी चाय बनती नहीं है, बनती बैठती नहीं है। तो अमित फिर भाई पैसे वसूल है नहीं है, पूरा पैसा वसूल है भाई पूरा। तो दोस्तों
चाय हमारी फिनिश हो गई है। और भाई कैसा लगा? भाई बहुत ही मजा आ गया मुझे आज, मतलब भाई के साथ में आने में और चाय पीने में तो और भी ज्यादा मजा आ गया। मैं भी यही कहूँगा कि अगर जयपुर में आओ तो गुलाब जी चाय वाले की चाय तो पीना ही पीना है भाई। अगर जयपुर आओ और गुलाब जी की चाय ना पी तो ये फिर ये पाप है सबसे बड़ा। बिल्कुल, बाकी आप देख सकते हो, बाकी मैं नहीं बोल रहा, यहाँ की पॉपुलरिटी बोल रही है। मेरे पीछे भीड़ देख सकते हो, लोग BMW से आते हैं यार यहाँ पे चाय पीने। अगर आपको बिलीव नहीं है तो मैं दिखाता हूँ। बहुत मजा आया, बस आप सब्सक्राइब कर दो फटाफट से, मजा और तब आएगा जब आप सब्सक्राइब करोगे, लाइक करोगे और कमेंट्स करोगे। कमेंट्स में हमें ये बता सकते हो कि हमें क्या और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बस इसी तरीके से हमें बने रहिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो होने वाली है पूरी दिवाली फेस्टिवल की, दिवाली सीजन की, तो वीडियो मिस मत करो। और कौन चाहता है तुम्हारा भाई अब ताजमहल तुम्हें घुमाए, वो भी हमें कमेंट्स करके बताओ बस। तो चलिए, बाय बाय, शुक्रिया।